आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। ग्राम नकोट निवासी चंदन सिंह ने भूखंड आवंटन को लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वह तीरी बांध परियोजना से ग्राम नकोट से पात्र विस्थापित है, जिसमें पुनर्वास नीति के तहत उनको पुनर्वास सुविधा दी जानी थी। विभाग द्वारा उनको पुनर्वास नीति के तहत हरिद्वार जनपद के रोशनाबाद में कृषि भूखंड आधा एकड़ का कब्जा प्रमाण पत्र दिया गया था, परंतु मौके पर उक्त भूखंड मौजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा, उनके द्वारा कई बार पत्राचार किया गया, परंतु आज तक कोई कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने कार्रवाई न होने की स्थिति में जल्द समाधि लेने की बात कही है। चंदन सिंह, कहाँ से आ रखे हैं आप? क्या मामला आपका? हमारा जमीन का मामला है, रोशनाबाद में जमीन है। हाँ। और उसके संबंध में आ रखा हूँ। हाँ। कोई सुनाई नहीं की जा रही, साल भर से भागा जा रहा हूँ, साल डेढ़ साल से। हाँ। और इसमें कोई गौर नहीं किया जा रहा, कोई कर्मचारी मेरे साथ में चलने के लिए कोई राजी नहीं है, कोई फोन उठाने के लिए कोई राजी नहीं है। ऐसे क्या हुआ कि मतलब जमीन में क्या हुआ ऐसा? उसमें वो धरातल पे जमीन है ही नहीं, उन्होंने पेट के पीछे जो है मेरे अजान के कारण जो है मेरे सैन मार्ग में कब्जा दे दिया गया है। अच्छा। एक बजे दो बार और फिर जो है वो जमीन कब्जे उसमें है ही नहीं, खसरा है ही नहीं, मौके भी नहीं है। अच्छा, खसरा है नहीं। इन्होंने, मैंने कई बार कर्मचारियों को बोला मेरे साथ में मेरे को दिखाओ कहाँ प्लॉट है, ये दिखाने लिए कोई राजी नहीं। अच्छा। और आज भी कोई सुनाई नहीं की जा रही, साल डेढ़ साल से भाग रहा हूँ मैं उसी स्थिति में। इसके कारण मेरे को टेंशन के कारण पैरालाइज पड़ गया, और अब जो अगर नहीं होता है तो एंड में जो है एक ही रास्ता है कि मैं जल समाधि लूं। अब ये सारा प्रशासन जवाबदार रहेगा।